दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि इस तरह से WhatsApp एप्लीकेशन में आपने जो सिक्योरिटी कोड देखते हैं, जैसे सेटिंग ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे और अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का। तो सिंपली से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह के पेज देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ ऊपर में देख सकते हैं सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है और इसका क्या फ़ायदा, इसे क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आप यह ऊपर में देख सकते हैं। इसका साफ साफ लिखा गया है कि इसका क्या नियम है, इसका कैसे यूज़ करना है और इसे क्या फ़ायदा है। तो इसे यह फ़ायदा है कि आपका ये व्हाट्सअप तीन लोग चलाते हैं, आपके तीन दोस्त चलाता है, इन तीनों दोस्त में से कोई एक दोस्त अगर चाहेगा इसका कोड चेंज करने के लिए या इसका कोई नंबर या कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए, तो जैसे चेंज करना चाहेगा तो आपके पास ये नोटिफिकेशन शो होगा, यानी आपके पास आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन आएगा। तो इसे कैसे यहाँ पर क्या करना है, तो उसके लिए नीचे आप देख सकते हैं कि आपको पूरा डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ पूरा डिटेल्स में लिखा गया है कि क्या इसका फ़ायदा, इसे ऑन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जब भी चाहेगा आपका दोस्त आपके व्हाट्सएप का कोई भी पिन या सिक्योरिटी पिन चेंज करना तो आपके पास मैसेज ज़रूर आएगा। तो दोस्तों सिक्योरिटी नोटिफिकेशन से आपको यह फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सीख लिया सिक्योरिटी पिन कैसे सेट करते हैं, तो सेट करना सीख लेते, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।